नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण बेस्ट ब्लॉग्स में। और आप ये हॉर्स देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह पे हूँ अभी। तो आइए आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ नीचे जो कि ये गांव है सरियताल से पहले जो कि पड़ता है, जोर खेत के आसपास का एरिया है। और यहीं बोटैनिकल गार्डन भी है और एडवेंचर पार्क भी इधर ही है, जो आप सामने नीचे देख पा रहे हैं बड़ा सा कोर्स ये सेंटर स्क्रीन में। ये कि जो कि है एडवेंचर कोर्स एरिया है। और दोस्तों देखिए, शुरुआत भी मैंने आज के ब्लॉग की यहीं से करी थी, मगर आप लोग देख पा रहे हैं मैं आगे गया था लैनसिन तक, लेकिन वहां से मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। और देख सकते हैं आप, मौसम ऐसा था और पूरा वो चोटी ढका हुआ ही था बादलों से। तो अभी तक मैं इंतजार किया वहां, दो घंटे से वहीं था तो, मगर मौसम नहीं खुला। तो अभी आपको मैं यहां से व्यू दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे घोड़ा स्टैंड के पास हूँ और यहाँ। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाता रहता हूँ आपको सामने से कैसा है। आ जाओ भैया। तो ये आप देख सकते हैं घोड़े की नाल लग रही है। दो पैकेट बहुत है, बकरी भी ना आई दो पैकेट की भाई, इन्हें दो पैकेट में एक पैकेट तो आधा कर दिया इन्हें। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हैं ऐसे लगती है यहाँ पे घोड़े की नाल, और उसकी नाल चेंज करी जा रही है। तो आपको दिखाता हूँ आगे से, और यहाँ पे बहुत ही तादाद में घोड़े हैं। और देखिए कुछ कस्टमर्स आए हैं जो कि घोड़ा राइडिंग से आगे टिफिन टॉप और आगे जाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये आप देख सकते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी मैं निकल रहा था घोड़ा स्टैंड से यहाँ पे। तो आइए चलिए मिलते हैं नीचे शहर में पहुंचने के बाद। और आप लोग ये देख सकते हैं काफी अच्छे हॉर्सेस मेरे पीछे, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे मुलाकात हुई है भैया जी से। और ये भैया जी, जी मोहम्मद उमर नाम है मेरा, ये घोड़े हैं उनका दक्ष जी। तो भैया से बात हुई है, तो भैया हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं। तो दादा आप जरूर बताइए, आप क्या आप कुछ कह रहे थे। देखिए मेरा कहना यह है, नैनीताल हमारे पर्यटक आते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। तो नैनीताल में हॉर्स राइडिंग, हमारी बोटिंग, ये ब्रिटिश के जमाने से हॉर्स राइडिंग जब करते हैं लोग, एक उमंग आती है। तो जब घूमते हैं टिफिन टॉप दौड़ती शीट लैंड एंड, तो कहते हैं पैसा हमारा वसूल हो गया। और इस लाइट के बिना नैनीताल अधूरा है हमारा, जब ये लाइट करते हैं ना तो उसका कहते हैं नैनीताल कम्प्लीट हो गया हमारा। जी जी, ये पूरा बहुत अच्छा ग्रीन एरिया है हमारा, ग्रीन नैनीताल, ग्रीन नैनीताल पूरा हमारा बहुत अच्छा खूबसूरत है। जी जी, वही ब्रिटिश के जमाने से हमारा जुड़ा है। जी जी जी, नैनीताल पहले हमारे शहर से आते थे। जी जी, लेकिन 2001 में ये नीचे बाजार से हटा के और ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट कर दिया, अब घोड़े की जो लाइन है यही है। जी जी जी, घोड़े ही जाता है, जाने उधर लोग पैदल भी चले जाएंगे लेकिन वो मजा नहीं आता है। जी जी जी, मजा घोड़े में ही आता है। जी जी जी, और यहाँ पे कोई टट्टू घोड़े नहीं, किचन नहीं। जी जी, सब बढ़िया कांटे वाले घोड़े। जी 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 जी, बड़े बड़े जी, ये चीजें हैं नेचुरली, यही है हॉर्स राइडिंग। जी जी, तो जी दादा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को ये सब बताया। तो मैं दोबारा नैनीताल आइए आप लोग, नैनीताल में हॉर्स राइडिंग करिए, बोटिंग करिए, केबल कार। और सबसे बड़ी हमारा नैनीताल नैना देवी मंदिर है यहाँ पर, सबसे फेमस। जी जी, नैनीताल शहर का। जी जी जी, जो झील के। जी जी, तो दादा मैं अंत में आपसे अलविदा कहना चाहूंगा और मैं आपको ये गुजारिश करूंगा आप एक बार हमारे व्यूअर्स को अपना नाम दोबारा से बता दें। मोहम्मद उमर। जी जी, और सर आपने बताया आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे। जी जी जी, थैंक यू सर सो मच। तो दोस्तों मैं अभी हूँ बारह पत्थर पे, हॉर्स स्टैंड, घोड़ा स्टैंड पे यहाँ पे।
और यहाँ पे देखिए ये भैया लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ पे आपको ताज़ा फलों का एकदम मतलब नेचुरल जूस बना के यहाँ पे भैया लोग दे रहे हैं। तो अगर आप जब यहाँ पे आते हैं तो देखिए आपको सामने ही दुकान नजर आएगी और आपको भैया मिलेंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए जूस मिल रहे हैं, और ये सब वैरायटी है पाइनएप्पल बनाना, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मस्ट ट्राई है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। वेलकम बैक। और दोस्तों मैं हूँ अभी नैनीताल में, मलीताल में, सुकताल के समीप स्थित सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च में, जो कि भारत में एक एंजेलिकन चर्च है, और जो कि नैनीताल में सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से जो कि एक ये जो चर्च है पुराना वो ये है। और जो कि देखिए मैं इसका बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ, जो कि ये साइट है जहाँ पे ये चर्च का निर्माण किया गया, ये जो कि बिशप डैनियल विल्सन द्वारा इसका निर्माण मीन्स निर्धारित किया गया कि हम इस चर्च को इधर बनाएंगे, और उन्होंने 1844 में ये जगह को देखा और यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जो कि इन्होंने जो निर्माण कार्य शुरू किया तो इन्होंने अक्टूबर 1846 से इन्होंने प्लान किया यहाँ पे, जो कि प्लान किया गया बाई कैप्टन यंग द्वारा, और जो कि इन्होंने उसमें अपना पर्सनल मनी 15,000 रेज अप किया और इसका जो कि इन्होंने निर्माण कराया। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो बिल्डिंग है ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है, गॉथिक स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर है। और जैसे कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो 2 अप्रैल 1848 को हुआ, और इसी चर्च में एक मेमोरियल स्थित है जो कि 1880 की जो आपदा आई थी उसमें जो लोगों ने जान गंवाई थी उसमें कि यहाँ पे इनका मेमोरियल और ये स्थित है इसमें। तो दोस्तों आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, जो कि ये कहते हैं कि गॉथिक स्टाइल से जो इसका स्ट्रक्चर किया गया है तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये जो कि अभी खुला नहीं है, देख सकते हैं आप इसमें ताला लगा है और ये अभी बंद है। और जैसा कि आप ये देखेंगे ये सारा उन्हीं आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है, और आप ये देख सकते हैं सर्कल कितना सुंदर है, और इसकी देखिए इसमें थोड़े से कुछ शीशे थोड़े बहुत ब्रोकन है, मगर आप ये जब इसका जो कि आर्किटेक्चर जो कि क्रिएटिविटी है आप ये देख सकते हैं किस उसमें बनाया गया है। और ये देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका बेल हुआ करता था और मे बी अभी भी होगा, तो इसके टॉप में कुछ ऐसा है। तो आइए आपको साइट से इसका रिव्यू देता हूँ, तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। और साइट तो दोस्तों आइए कुछ इस राइट इसके जो कि फ्रंट से हम अंदर एंट्री करते हैं, तो मैं आपको इसका सीलिंग दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा वुडन वर्क है, और ये आप देख सकते हैं तो ये कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ अभी ताला लगा हुआ है, तो ये मोस्टली संडे को ही खुलता है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप इसके सराउंडिंग्स में देख सकते हैं यहाँ सुंदर ये देवदारों के वृक्षों के बीच में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसके साइड से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं विंडोज यहाँ पे बहुत ही इंजीनियर्स प्रोफेशनल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई हैं। तो ये कुछ यहाँ पे वाटर लॉग्स और ये जो वाटर का ये है कुछ चीज़ें की मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, मगर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों जब ये खुला होता है तो इसकी विंडोज़ में जो कि है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और ये इस रिलीजन के जो हैं इनके जो कि पिक्चर्स काफ़ी जो कि जीजस और मैरी मदर मैरी इनकी पिक्चर्स इस शीशे में इनकी लाइफस्टाइल और ये सब यहाँ पे बनाई गई हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं साइड से इसका व्यू, और ये देखिए क्या स्ट्रक्चर इसका है, और आप ये देख सकते हैं। दोस्तों ये इसका बैक साइड से है, आप ये देख सकते हैं इसका बैक साइड का विंडो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ये देखिए क्या इसमें बहुत ही शानदार इसमें जो कि नक्काशी और ये जो बनाया गया है जिस रूप से, तो वो बहुत ही अद्भुत है, आप देख सकते हैं। ये
ये आप देख सकते हैं, ये है सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस चर्च का जो सीमेंट्री एरिया है। तो यहाँ की जो ये ग्रेव्स हैं वो 1845 से 1922 तक की यहाँ पे जो इनकी ग्रेव्स हैं वो यहाँ पे हैं। और ये देख सकते हैं, तो दोस्तों ये सारा सीमेंट्री एरिया है और अभी यहाँ पे काफी घास उगा हुआ है और कुछ ज्यादा विजिबिलिटी मतलब ये जो सारी ग्रेव्स हैं वो ढकी हुई हैं। तो आइए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ, आगे से दिखाता हूँ। तो इस सीमेंट्री में जो कि जिम कॉर्बेट आपने नाम सुना होगा, उनके जो कि फैमिली है मदर फादर, उनके इसी सीमेंट्री में कहीं पर, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है कहाँ पे है, मगर वो इसी जो ग्रेवयार्ड है वो इसी में ही उनकी जो कि ग्रेव है वो यहीं है कहीं। तो आप देख सकते हैं ये सारा सीमेंट्री एरिया है। तो दोस्तों चलिए एंड करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे, और अभी आपसे मैं लेता हूँ अलविदा और जल्दी मिलेंगे मेरे किसी अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।